इस वक्त हम मुंबई के होटल ग्रैंड हयात के बाहर हैं, जहां आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो तमाम नेता थे, जो तमाम विपक्ष के नेता थे, वो ग्रैंड हयात होटल जो है वो पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ देर में ही जो मीटिंग है, पहले दिन की मीटिंग जो है वो शुरू होने वाली है। मगर एक तस्वीर पर मुंबई में हमारी नज़र पड़ी, जहाँ पर देश मांगे नीतीश कुमार जो है वो लिखा हुआ दिखा। यहाँ पर मुंबई के सड़कों पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने एक तस्वीर लगाई है और साफ कर दिया है कि भाई नीतीश कुमार जो है वही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होनी चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की मांग है। हालांकि फैसला आज होना है कि आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। नरेंद्र मोदी के सामने चार नाम जो है वो सामने आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी है। मगर जिस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के तस्वीर के साथ साथ में ललन सिंह के तस्वीर के साथ साफ संदेश दे दिया है इस बैठक से पहले कि भाई नीतीश कुमार जो है वो देश की पसंद है, क्योंकि नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है, नीतीश कुमार साफ छवि वाले नेता है। तो इस तमाम चीज़ों को दिखाते हुए ये मांग जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने की है। और इसी होटल में आप देखिए, इस होटल में जो है ग्रैंड हयात में मीटिंग जो है वो शुरुआत होने वाली है। 3 बजे से मीटिंग जो है वो चालू होगी, जिसमें जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, लालू प्रसाद यादव की बात करें, एमके स्टालिन की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, कांग्रेस के नेता जो हैं वो तमाम लोग पहुँच रहे हैं। और तमाम लोग अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर मीटिंग करेंगे और जो फैसला लिया जाएगा उन हर फैसलों को हम आपको बताएंगे कि आखिर अंदर में क्या कुछ चल रहा है। और मुंबई में जिस तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है, इस मांग को लेकर के भी आखिर जो नेता हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता की मांग है कि नीतीश कुमार को जो है वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो साफ छवि वाले नेता हैं। हालांकि ये कार्यकर्ताओं की मांग है, मगर जब विपक्ष के तमाम बड़े नेता बैठेंगे वहाँ पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर के क्या सहमति बनती है, क्या नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाएगा या फिर आज ऐलान हो जाएगा कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे। ये तमाम खबर जो है आखिर मुंबई के ग्रैंड हयात के होटल में जब विपक्ष के तमाम नेता बैठेंगे और अंदर में क्या रणनीति तय होगी वो हम आपको बताएंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ।